हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के गणित के प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न क्रमांक 8 को। ये प्रश्न है बच्चों, हिरणों का एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 भाग पड़ोस में खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले तो हम हिरणों की संख्या को एक्स मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना हिरणों की संख्या संख्या बराबर x है। हमने जब हिरणों की संख्या x मान ली बच्चों, तो इस प्रश्न में बोल रहा है हिरणों का एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है। आधा भाग मैदान में चर रहा है, तो मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या हो जाएगी बच्चों, जो हमने टोटल मानी है उसकी आधी, यानी कि x बटे 2। तो यहाँ पर हम मान लेंगे मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या ये हो जाएगी बच्चों, जो टोटल संख्या है उसकी आधी। आधा हम कैसे करते हैं, जब हम टोटल संख्या में 2 का भाग दे देते हैं, ठीक है। तो x में हम जब 2 का भाग दे देंगे तो ये आधा आधा हो जाएगा, हिरणों की संख्या आधी हो जाएगी। फिर इसके बाद में ये बोल रहा है कि शेष का 3/4 भाग पड़ोस में खेल कूद रहा है। तो शेष का 3/4 भाग मतलब पूरे में से ये वाले घटा देंगे हम तो शेष बच जाएगा, और उसमें 3/4 का गुणा कर देंगे तो शेष का 3/4 भाग निकल आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम पड़ोस में खेल कूद करने वाले हिरणों की संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पड़ोस में खेल कूद करने वाले हिरणों की संख्या ये हो जाएगी बच्चों शेष का 3/4, मतलब इसमें से इसे घटाएंगे तो शेष आ जाएगा एक्स ऋण एक्स बटे 2, और इसमें 3/4 का गुणा कर देंगे तो शेष का 3/4 भाग निकल आएगा। और फिर वो बोल रहा है कि शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तालाब में पानी पीने वाले हिरणों की संख्या, तालाब में पानी पीने वाले वाले हिरणों की संख्या ये कितने हैं बच्चों, तालाब में पानी कितने हिरण पी रहे हैं? 9। तो यहाँ पर हम 9 लिख देते हैं। अब एक चीज़ देखो बच्चों कि ये आधा भाग जो मैदान में चल रहा है और पड़ोस में 3/4 भाग, शेष का 3/4 भाग पड़ोस में खेलकूद कर रहा है, और ये शेष बचे 9 हिरण, ये अगर हम इन सबको जोड़ दें तो ये किसके बराबर आएगा, कुल झुंड की संख्या के बराबर। तो इसे जैसा कि इन सबको जोड़ के झुंड की कुल संख्या के बराबर हम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x बराबर, इस x के बराबर ये तीनों को जोड़ के लिख देंगे, x बटे 2 धन 3/4 और x ऋण x बटे 2 और धन में 9। अब बच्चों ये पहले सबसे पहले इसमें कोष्टक को सॉल्व करते हैं। 2 का हम x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, 2x में से x घटाएंगे तो बचेगा x, तो ये हो जाएगा x बटे 2। तो ये हो जाएगा बराबर में x बटे 2 धन 3/4 और ये हो जाएगा कितना, x बटे 2 निकाला था, 2 का गुणा x में करा 2x, और x 2x में से x घटाया तो x बचा, तो ये हो जाएगा x बटे 2 और धन में 9। अब बच्चों इस 3/4 का इसमें गुणा कर देंगे x बटे 2 में, तो ये हो जाएगा x बटे 2 धन 3 का x में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3x, और 4 का 2 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 8 और धन 9। अब ये x x वाली संख्याएं एक तरफ ले लेंगे और बिना x वाली संख्या एक तरफ हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगी बच्चों x x तो यहाँ पहले से ही है, और ये x बटे 2 इधर धन के इस तरफ आएंगे तो ये ऋण के हो जाएंगे, तो ऋण के x बटे 2, और ये धन के 3x बटे 8 हैं तो ये इधर आएंगे तो ये ऋण के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे ऋण के 3x बटे 8 और बराबर में ये 9 इधर बचेंगे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसके बटे में 1 मान के
इस वाले एक्स के बटे में एक्स मानेंगे और इसका एक का दो का आठ का लघुत्तम ले लेंगे। तो इसका जो लघुत्तम आएगा बच्चों वो आएगा आठ, ठीक है। अब इस एक से आठ में भाग देंगे तो आठ आएगा, उस आठ उस भागफल वाले आठ का एक्स में गुणा करेंगे तो ये आएगा आठ एक्स। और ये ऋण का चिन्ह लगाया तो यहाँ ऋण का चिन्ह लगा लेंगे। फिर इस दो से आठ में भाग देंगे तो ये आएगा दो चौक आठ होता है तो चार आया, चार का एक्स में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा चार एक्स। फिर इस आठ का इस आठ में भाग देंगे तो ये हो जाएगा आठ एकम आठ, एक आया, एक का तीन में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा तीन एक्स, ऋण की तीन एक्स, और बराबर में ये नौ है ही। अब ये चार एक्स और तीन एक्स को जोड़ देंगे क्योंकि ये ऋण ऋण की संख्या है इसलिए इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सात एक्स, तो ये हो जाएगा आठ एक्स ऋण के सात एक्स बटे। अब ये जो आठ जो भाग में इधर लेके जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा तो ये हो जाएगा नौ गुणा आठ। अब बच्चों यहाँ जगह कम बची है तो हम इसे इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो आठ एक्स में से सात एक्स जब जाएगा तो बचेगा एक एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स बराबर और नौ का आठ में भाग गुणा करेंगे हम तो नौ आठ बहत्तर, तो ये आया बहत्तर। अब हमने x का मान हमने लिखा लिया बच्चों बहत्तर, और हमसे प्रश्न में क्या पूछा है कि झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो झुंड में हिरणों की संख्या हमने x मानी थी और x का मान कितना आया है बहत्तर, तो झुंड में हिरणों की संख्या कितनी हो गई बहत्तर। तो यहाँ लिख देंगे अतः झुंड में हिरणों की संख्या संख्या बराबर बहत्तर। तो इसी के साथ बच्चों ये हमारा प्रश्न क्रमांक आठ पूर्ण होता है, हमारी वीडियो भी कंप्लीट होती है। आई थिंक बच्चों ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मिलते हैं आपसे बच्चों अपनी अगली वीडियो में।